तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रशियन टीनेज लव स्टोरी के बारे में, जहाँ एक 14 साल के निब्बी को अपने राइवल स्कूल के एक निब्बी से प्यार हो जाता है और उसे अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, आइए जानते हैं। इस मूवी का नाम है 14+ First Love। तो कहानी शुरू होती है एक 14 साल के लड़के एलेक्स को दिखाते हुए, जो कि घोड़े बेचकर सो रहा होता है। उसकी मॉम उसे सुबह सुबह उठाने की कोशिश कर रही है, मगर जो हर टीनेजर के साथ होता है वो एलेक्स के साथ भी। वो आलस में चूरा उठने का नाम ही नहीं ले रहा, और जैसे ही हमारे यहाँ मम्मी फैन बंद कर देती है, वैसे ही उसकी मॉम एक निंजा टेक्निक लगाती है और कहती है कि जल्दी उठो, तुम्हारी स्कूटी चोरी हो गई है। ये सुनते ही एलेक्स जड़ से उठ जाता है। फिर हम उसे अपने स्कूल में देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के साथ क्लास के लेक्चर में कम और मस्ती में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्लास के बाद हम एलेक्स को एक पार्क में उसके दो दोस्त हुलिगन और वीडियो के साथ बैठकर टाइम पास करते हुए देखते हैं, और तभी उसकी नजर तीन लड़कियों के एक ग्रुप पर पड़ती है। हुलिगन कहता है कि चलो इन्हें चेस करते हैं, और फिर वो तीनों उनका पीछा करते हुए एक स्टोर में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो तीनों लड़कियां कुछ बियर की बॉटल खरीदती है। अब कूल बनने के चक्कर में ये लड़के भी बियर खरीदने की कोशिश करते हैं, मगर शॉपकीपर समझ जाती है कि ये बच्चे अभी भी कच्चे हैं, अब वो उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स देकर भगा देती है। अब वो तीनों कोल्ड ड्रिंक लेकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां दो लड़कों के साथ, और उन लड़कों को देखने से ही पता चल रहा है कि लड़के बदमाश किस्म के लड़के हैं और इन लड़कियों की इनसे अच्छी पहचान है। मगर यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम है विका, विका ये कैसा नाम है, ये तो हमारे फिल्मों में गुंडे लोगों का नाम ऐसा होता है, विका, बुल्ला, जग्गा, खैर हमें क्या। तो यहाँ हम देखते हैं कि विका बहुत शांत है और बीच बीच में एलेक्स और उसकी निगाहें मिल रही होती है। अब हुलिगन एलेक्स को बताता है कि ये सब दूसरे स्कूल से है और इनके स्कूल के लड़कों की हमारे स्कूल के लड़कों से लड़ाई हो रखी है, इसलिए हम इनके इलाके में नहीं जाते। और इस बात से एलेक्स को ये पता चल जाता है कि विका को अप्रोच करना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद एलेक्स को हम घर पर देखते हैं, जहां वो उसके मॉम के साथ रहता है। एलेक्स की मॉम एक सिंगल मदर है, और इसलिए वो एलेक्स का बहुत ख्याल रखती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी गलत रास्ते पर निकल जाए। यहां एलेक्स कुछ देर अपनी मॉम के साथ टीवी देखने के बाद अपने रूम में चला जाता है और सोशल मीडिया पर विका को ढूंढ कर उसकी प्रोफाइल चेकआउट करने लगता है। तभी पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और वो एलेक्स के साथ बैठकर उसे समझाने लगती है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अल्कोहल, ड्रग्स और लड़कियों से थोड़ा सावधान रहना, और अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद भी आती है तो उसके साथ तुरंत सोने के बारे में नहीं सोचना। फिर उसकी मॉम एलेक्स को एक बुक देती है जिसमें सेफ इंटरकोर्स के टॉपिक के ऊपर बहुत सारा ज्ञान होता है, और एलेक्स अपनी मॉम की ये सब ज्ञान को एक कान से घुसा के दूसरे कान से निकाल देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक्स मिरर में विका से बात करने की बहुत प्रैक्टिस करता है, और जब वो असलियत में उसे बात करने के लिए उसके पीछे जाता है, तब वो पूरे रास्ते बस उसके पीछे पीछे होते हुए उसके बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, मगर वो उससे बात नहीं कर पाता, उसकी फट जाती है, और आखिर में वो निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक्स विका को प्रपोज करने के लिए एक और ट्राई मारता है, और इस बार उसके दोस्त भी इस प्लान में शामिल है। हुलिगन और वीडियो स्कूटी से विका की सोसाइटी में जाते हैं और वहाँ के लड़कों का ध्यान भटकाते हैं। तभी पीछे से एलेक्स विका की बिल्डिंग में घुस जाता है, और अंदर जाने के बाद वो सीढ़ियों पर विका का इंतजार करने लगता है। फिर जब विका वहाँ आती है तो वो एलेक्स को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि विका को भी मालूम है कि एलेक्स उसका कई दिनों से पीछा कर रहा है और वो इस बिल्डिंग में नहीं रहता। फिर एलेक्स और विका एक दूसरे के निगाहों में निगाहें डालकर कुछ देर तक वहाँ खड़े रहते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। एलेक्स यहाँ पर भी विका से कुछ नहीं कहता और बाद में वो वापस घर चला जाता है। घर आकर एलेक्स फिर से विका की प्रोफाइल चेकआउट करने लगता है, और वहाँ उसे एक पोस्ट से पता चलता है कि विका के स्कूल में कुछ दिनों के बाद एक डांस पार्टी, और एलेक्स इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखने लगता है। फिर जब डांस पार्टी का दिन आता है, तब एलेक्स और हुलिगन चुपके से विका के स्कूल में घुस जाते हैं और वहाँ की भीड़ में वो विका को ढूंढी लेते हैं। बहुत हिम्मत करने के बाद एलेक्स विका के पास जाता है और उसे डांस के लिए पूछता है। विका एलेक्स को देखकर पहले तो थोड़ा शॉक हो जाती है, मगर कुछ सेकंड्स के बाद वो हाँ कर देती है। फिर दोनों ऑकवर्ड से सिचुएशन में कुछ देर तक डांस करते हैं, उसके बाद विका वहाँ से चली जाती है। अब एलेक्स स्कूल से निकलने के लिए हुलिगन को ढूंढी रहा होता है कि तभी विका के फ्रेंड एलेक्स के पास आती है और कहती है कि विका ने तुम्हें बाहर बुलाया है। एलेक्स इसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो भाई साहब सेटिंग हो गई। मगर जब वो बाहर जाता है, वो देखता है कि विका अपने स्कूल के कुछ लड़कों के साथ खड़ी है, और उन लड़कों ने हुलिगन को पकड़कर इतना मारा है कि उसका सारा दांत टूट गया है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स जख्मी हालत में अपने घर पर, जिसे हमें यह पता चल रहा है कि उन्होंने एलेक्स की भी बहुत कुटाई करी है, और इस लड़ाई की वजह से उसकी मॉम उसके ऊपर बहुत चिल्ला रही है। फिर हम एलेक्स को विका की सारी फोटोज अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हुए देखते हैं, और साथ ही इस दौरान एलेक्स ये भी देखता है कि विका ने अपने सोशल मीडिया पर बस सॉरी वाली पोस्ट डाल दी है। उसे पता चल रहा है कि वो भी इस इंसिडेंट से दुखी है, मगर अब मार खाने के बाद एलेक्स का मन इतना खराब हो चुका है कि वो इन सब पोस्ट को इग्नोर कर देता है।
और अपने दोस्त होलीगन के साथ मिलकर पहले की तरह किसी भी सिंगल लाइफ जीने लगता है। फिर एक दिन विका अपने फ्रेंड्स के साथ एलेक्स के बिल्डिंग के पास आती है और यहाँ विका अपनी एक फ्रेंड को एलेक्स के पास एक लेटर देने के लिए भेजती है। एलेक्स उस लड़की से बात करने के लिए होलीगन को बाहर भेजता है और बाहर वो लड़की होलीगन से माफी मांगते हुए उसे एक लेटर देती है और कहती है कि इसे एलेक्स को दे दे। अब बाद में जब एलेक्स उस लेटर को खोलता है तो देखता है कि विका ने लेटर में माफी मांगते हुए उसे अपने नंबर दिया है बात करने के लिए। नंबर पाते ही एलेक्स और होलीगन खुशी में उछलने लगते हैं और फिर इसके बाद हम मूवी में कुछ देर तक सभी को एक साथ मौज मस्ती करते हुए देखते हैं और इस दौरान एलेक्स और विका भी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एक रात घूमने के बाद एलेक्स विका को उसके घर छोड़ने जाता है मगर विका उसे बिल्डिंग से कुछ दूरी रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। एलेक्स पूछता है क्यों, तो विका कहती है कि बिल्डिंग के लड़कों ने अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी धुलाई कर देंगे। तो एलेक्स अपनी स्कूटी को झाड़ियों में छुपा देता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा। फिर वो जोश में विका को लेकर उसके बिल्डिंग तक छोड़ने जाता है मगर विका को जिसका डर था वही होता है। बिल्डिंग के लड़के उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और वो एलेक्स को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब विका और एलेक्स जल्दी से वहां से भागते हैं और बिल्डिंग में घुसकर बिल्डिंग के गेट को अंदर से बंद कर लेते हैं। फिर विका एलेक्स को लेकर अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और घर में एंट्री करते ही विका के डैड सामने खड़े होते हैं जो कि उन दोनों को अपनी खतरनाक नजर से देखते हैं। विका डरते हुए एलेक्स को अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे आधे घंटे के लिए अपने रूम में ले जाने के लिए परमिशन मांगती है। फिर परमिशन मिलते ही विका और एलेक्स कुछ देर तक विका के रूम में टाइम स्पेंड करते हैं और आखिर में एलेक्स कहता है कि अब टाइम पूरा हो गया है और शायद तुम्हारे डैड भी मुझे पसंद नहीं कर रहे इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। फिर विका एलेक्स को अपार्टमेंट के बाहर छोड़ने जाती है और वहाँ एलेक्स बिल्डिंग के दीवारों पर देखता है कि वहाँ के लड़कों ने विका को एक बाजारू लड़की का दर्जा देते हुए दीवारों पर उसके लिए गंदी गंदी बातें लिखी। विका एलेक्स से कहती है कि ये सब झूठ है। फिर वो दोनों थोड़ा इमोशनल होकर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर विका वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलेक्स उन लड़कों से बचने के लिए विका की बिल्डिंग से ना निकल कर दूसरी बिल्डिंग के एंट्रेंस से निकलता है मगर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जब वो अपनी स्कूटी लेने जाता है तब वहाँ के लड़कों ने पहले से उसकी स्कूटी को अपने कब्जे में ले रखा होता है। फिर वो एलेक्स को देखते ही उसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। एलेक्स भी वहां से अपने पिछवाड़ा बचाकर भागने लगता है और एक जगह रोड पर गिरी हुई एक बियर की बोतल उठाकर हाथ में ले लेता है ताकि उन लड़कों को डरा सके। अब ये सब यहाँ चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पुलिस की एक नाइट पेट्रोलिंग की गाड़ी आ जाती है और वो एलेक्स को देखकर पूछती है कि क्या तुम मुसीबत में हो। अब यहाँ एलेक्स के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, वो उन लड़कों की शिकायत नहीं करता और वो पुलिस वाले को कहता है कि हम बस बात कर रहे हैं। ये सुनने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है और तब वो लड़के भी एलेक्स को नहीं मानते क्योंकि एलेक्स ने बड़प्पन दिखाते हुए उनकी पुलिस से कंप्लेन नहीं की। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक दिन एलेक्स सुबह सुबह उठकर अपने पूरे रूम की सफाई करता है और ढंग से रेडी होता है क्योंकि आज विका उसके घर में आने वाली है। दूसरी तरफ विका भी सुबह सुबह उठकर ढंग से रेडी हो जाती है क्योंकि आज वो लेट होना नहीं चाहता। फिर सब कुछ रेडी होने के बाद एलेक्स विका को लेना स्टेशन जाता है और उसे अपने घर ले आता है। फिर दोनों मिलकर घर में खाते पीते हैं और बहुत से गेम्स खेलते हैं और एट दी एंड फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जिसका इंतजार एलेक्स को बहुत दिन से था और वो है संभोग। एलेक्स एक रोमांटिक गाना चलाकर विका से कहता है कि उस दिन तो वो स्कूल में ढंग से डांस नहीं कर पाया था इसलिए आज वो अच्छे से दोबारा उस डांस को करना चाहता है। फिर वो दोनों मिलकर अपने अधूरे डांस को पूरे करते हैं, डांस करते करते फाइनली इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स की मॉम काम से वापस घर आती है और वो देखती है कि किचन में जूस की बॉटल और खाना बाहर रखा हुआ है। फिर वो एलेक्स के रूम की तर्फ जाती है और देखती है कि रूम के बाहर एक लेडीज पर्स रखा हुआ है। ये सब देखकर उनकी शक यकीन में बदल जाता है कि एलेक्स किसी लड़की को घर में लाया है। फिर जब वो एलेक्स के रूम का दरवाजा खोलती है तो वो एलेक्स और विका को एक साथ सोते देख शॉक हो जाती है और थोड़ी देर के लिए वही खड़ी रहती है। अब दरवाजा खुलने की आवाज से विका की भी आंख खुल जाती है और वो एलेक्स की मॉम को भी देख लेती है। फिर एलेक्स की मॉम विका को इशारों में हाई कहती है। विका जल्दी से एलेक्स को जगाती है और बताती है कि तुम्हारी मॉम वापस आ चुकी है। एलेक्स जल्दी से उठता है, कपड़े पहनकर अपनी मॉम से मिलने बाहर जाता है और तब तक उसकी मॉम घर से बाहर चली जाती है। उसकी मॉम भी अब जान चुकी है कि अब उनका बेटा बड़ा हो चुका है और उसे अपने बेटे और उसके गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देना है, इसीलिए वो उन दोनों को उनके प्रिवेसी देते हुए घर से बाहर चली जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी 14 प्लस फर्स्ट लव की पूरी कहानी। मूवी की स्टोरी काफी सिंपल एंड शॉर्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।